हेलो एवरीवन, कल हमने पढ़ा था कॉमर्स एजुकेशन के बारे में और नेचर पढ़े थे कॉमर्स एजुकेशन के। आज हम पढ़ेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो एम क्या होता है, व्हेन ए पर्सन स्टार्ट ए टास्क एक्टिविटी ही फिक्सेस अप सर्टेन एम टू कैरी आउट दैट टास्क सक्सेसफुली। तो हम कोई भी टास्क शुरू करते हैं तो हम कुछ एम को डिसाइड करते हैं उस काम को सक्सेसफुली करने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। ये कह रहा है कि एम ऑफ टीचिंग स्टिमुलेट द टीचर्स टू सिलेक्ट मीनिंगफुल कंटेंट सुटेबल टाइम टेबल एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग एंड टेक्निक्स। तो एम क्या है हमारा, ये अगर हमें टीचिंग में पता हो तो हम उसी हिसाब से अपने कंटेंट को लेके आएंगे। ठीक है, टाइम टेबल भी हमारा उसी हिसाब से होगा, हमारे जो टीचिंग मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी उसी हिसाब से होंगे और हमारी जो टेक्निक्स होंगी हमें टीचिंग की वो भी उसी हिसाब से होंगी कि हमारा एम क्या है। ठीक है, ये तो हो गई टीचिंग के एम की बात। अगर हम जनरल एग्जांपल में एक बार देख लेते हैं कि मान लो कि मैं ये कहती हूँ कि मेरा क्या है, मुझे IPS बनना है। ठीक है, या IAS बनना है, ये मेरा एम है कि IAS बनना है मुझे। ठीक है, उसके लिए फिर दूसरा हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव उससे नैरो टर्म में आता है, नैरो टर्म में क्या है, IAS बनने के लिए अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होंगे। सबसे पहला स्टेजेस होगा कि एक पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरे को प्रीलिम्स जो है वो क्लियर करना है। उसके बाद टीयर टू का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा टीयर टू मेरे को क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरे को इंटरव्यू जो है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद हम कहाँ पे पहुँचेंगे, अपने एम को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टीचिंग में उन्होंने एम के लिए क्या बोला है कि अगर जिस हिसाब से हमारा एम होगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, तो उसी हिसाब से हम अपना कंटेंट लेके आएंगे। मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तुम्हारी बुक बीएड की वो पेपर क्लियर करने के लिए, पर अगर मैं यही चीज़ तुम्हारा DSSB या फिर कोई भी एग्ज़ाम टेट का एग्ज़ाम हो उसमें अगर ये सब चीज़ें आती हैं उनके लिए पढ़ाती हूँ, तो वहाँ क्या होगा, मैं ये बुक में रीडिंग नहीं करवाऊँगी, एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं करवाऊँगी, वहाँ पर मेन पॉइंट्स जो होंगे उन चीज़ों को मैं क्या करूँगी, तुम्हारे आपके क्लियर करूँगी। तो एम से हमें क्या पता चलता है कि मीनिंग, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि मीनिंगफुल कंटेंट क्या होगा, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसके लिए टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए और टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टीचिंग का। तो एम क्या होता है, जनरल डायरेक्शन ऑफ इंटेंट विच गिव्स डायरेक्शन टू टीचिंग प्रोग्राम। एम क्या होता है, किसी भी टीचिंग प्रोग्राम को डायरेक्शन देने के लिए। अगर हमें पता है कि हमारा एम जो है वो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो हम अपने साइंस में जो भी हमारे सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लो डॉक्टर के लिए हमारी बायो अच्छी होनी चाहिए, इंजीनियर के लिए हमारी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए उसी डायरेक्शन में हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। या फिर हम कोई भी ऐसा प्रोफेशन चूज करने जा रहे हैं वहाँ की सॉफ्ट स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब मान लो हमारी पर्सनैलिटी हुई, हमारा गुड लुक्स हुआ, या फिर हमारी सॉफ्ट स्किल हुई, हम कैसे किसी से बात करते हैं, तो उस चीज़ के डेवलपमेंट में हम क्या है काम करना शुरू कर देंगे। तो जॉन डीबी ने क्या है एक डेफिनेशन दी है, एन एम इज़ ए फोर्स सीन दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी एंड मोटिवेट्स बिहेवियर। तो वो क्या कह रहा है कि एक ऐसी जो एम है वो हमारी जो फोर्स सीन, जो फ्यूचर में हम जो भी करना चाह रहे हैं काम एक्टिविटी, उसको डायरेक्शन देते हैं और उस बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, उसी की तरह जो हम बनना चाह रहे हैं उसी तरह से हम काम करना शुरू कर दें, उसी तरह से हम बोलना शुरू कर दें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेक्स्ट, कि ऑब्जेक्टिव है चेंजेस इन द चिल्ड्रन वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट इन देम, वी सजेस्ट ए काइंड सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इन द चिल्ड्रन वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट इन देम। तो ये कार्टर वी गुड ने एक डेफिनेशन दी है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं डिज़ायर चेंजेस होते हैं इन बिहेवियर ऑफ पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस डायरेक्टेड बाय
स्कूल। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी पीपल के मतलब किसी भी स्टूडेंट में कोई डिज़ायरेबल हमें चेंज लाना है, तो जिससे कि हमारा उसका रिजल्ट क्या हो, डिज़ायरेबल चेंज लाने के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस है उस स्कूल में वो रिज़ल्ट निकले हमारा, ठीक है। आई के डेविस क्या बोलते हैं, लीडिंग इज़ द वर्क ऑफ टीचिंग डन टू मोटिवेट एनकरेज एंड इंस्पायर द स्टूडेंट। तो ये क्या है कि किसी भी काम को टीचर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ये उन्हें मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है अपने स्टूडेंट को, सो दैट दे विल रेडिली अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए, ठीक है। वी एस ब्लूम ने भी कोई एक डेफिनेशन दी है कि वी मीट एक्सप्लिसिट फॉर्मुलेशन ऑफ द वेज इन विच स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी चेंज बाय एजुकेटिव प्रोसेस। फिर एनसीईआरटी ने भी एक डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम डिफरेंसेस पे, एम और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद है द स्कोप, जो एम का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, वाइड होता है, पर कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव स्कोप, ऑब्जेक्टिव का जो स्कोप होता है वो नैरो होता है। एम जो होता है वो आइडियल होता है नेचर में और बहुत डिफ़िकल्ट होता है अचीव कम्प्लीटली, तो हम क्या कर और विच मे और मे नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर ऑब्जेक्टिव में आइडियल नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं वो बिहेवियरल होता है, तो इसलिए वो ईजिली चेंजेस हो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, ईजिली अचीव हो सकता है वो। फिर नेक्स्ट है जो एम है वो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी डेस्टिनेशन या टारगेट पे जाने के लिए, जैसे कि बोला मैंने आईपीएस या आईएएस बनना है, तो वो क्या है, अल्टीमेट गोल है मेरा, डेस्टिनेशन है जहाँ पे मुझे जाना है। तो ऑब्जेक्टिव है इमीडिएट, इमीडिएट क्या हुआ, सबसे पहला है मेरे को प्रीलिम्स मेरे को क्लियर करना है, तो ये क्या मेरा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव हुआ। नेक्स्ट इज एम जो है वो नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइंड स्टेटमेंट है, डिटरमाइंड का मतलब है कि मुझे पहले प्रीलिम किसी भी हालत में प्रीलिम क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट इज मच टाइम इज नीडेड टू अचीव एम, एक एम को अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, आईएएस बनने में बहुत टाइम लगेगा, उसके जो स्टेजेस हैं तो यहाँ पे क्या है लेस टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा पहला टारगेट है प्रीलिम्स क्लियर करना, तो उसके लिए कम वो लगेगा। फिर नेक्स्ट जब हमारा टारगेट आएगा टीयर टू जब हमें क्लियर करना होगा, उसके लिए थोड़ा और कम टाइम लगेगा, मतलब अल्टीमेट गोल पे पहुंचने से कम टाइम लगेगा उसको अचीव करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ वैग्यू, ये वैग्यू है और ये क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। होल्ड स्कूल एनवायरनमेंट सोसाइटी एंड नेशंस आर रिस्पॉन्सिबल टू अटेन द एम, हमारा पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट जो होती है, सोसाइटी होती है, नेशन होते हैं, वो किसी भी एम को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर ऑब्जेक्टिव में क्या बोला है, हमारे ये बहुत स्मॉल स्टेप होते हैं एम को अचीव करने के लिए, तो हेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द टीचर एंड टीचिंग मटीरियल। तो प्रीलिम्स हमें क्लियर करना है, हम कैसे हमारा टीचर पढ़ा रहा है और हमारी कैसे हमारी कौन कौन सा हमने स्टडी मटेरियल उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए हमने इकट्ठा किया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर है एम्स डू नॉट प्रोवाइड क्लियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर, ये क्या है, क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देता एजुकेशन एम, और ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है लर्नर को। फिर नेक्स्ट इज एम जो है टीचिंग स्टडी स्ट्रेटजी को क्या करता है, डिटरमाइन नहीं करता, पर ऑब्जेक्टिव का एक फिक्स इंस्ट्रक्शन होता है टू द लर्नर, कि हमारा प्री जो क्लियर होगा वो इसी मेथड के थ्रू होगा या इन्हीं बुक्स को पढ़ के हमारा प्री क्लियर होगा। नेक्स्ट इज एम ऑफ टीचिंग कॉमर्स, अब कॉमर्स पढ़ने का एम क्या है हमारा, ये पढ़ेंगे हम। तो हम सबसे पहला हमारा एम है डेवलप ऑफ कॉमन सेंस, हम क्या है कॉमन सेंस हमें डेवलप करनी है किसी भी स्टूडेंट में, हमें क्या है क्लेवरनेस बनानी है, क्लेवर बनाना है अपने स्टूडेंट्स को, जो कि ये जो कॉमर्स की स्टडी है
ये क्या है डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हमारे क्या है यूज़ होती है। जैसे कि मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट ये कैसे कहाँ से कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और हमारे पास तक कैसे कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, तो ये क्या है एक जनरल नॉलेज है। अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस इतना है तो वो इतना प्राइस क्यों डिसाइड किया गया है, किस बेसिस पे, ये कोई जनरल प्राइस है या कंपनी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हमसे क्या कर रही है चार्ज कर रही है, ठीक है। उसके बाद है कॉमर्स टीचिंग जो है इंक्लूड अकाउंटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। हम कॉमर्स पढ़ते हैं उसमें क्या होता है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर, हमारी कैसे इनकम हो रही है और कहाँ कहाँ हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं हम लिमिटेड रिसोर्सेज का। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि मान लो कि मेरे 50,000 मेरी इनकम है और मेरे खर्चे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं किस चीज़ पे खर्च करूँ, किसको प्रायोरिटी दूँ और किसको हम खर्चों को बाद में बैक लिस्ट में डाल दें। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि लिमिटेड मेरी इनकम है उसमें क्या है मेरे को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपनी इनकम का और मैं सेटिस्फाई भी हो जानी चाहिए उससे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हम कि मार्केट ये जो दे कैन लर्न हैव द कंट्रोल ओवर देयर वॉन्ट्स और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लास्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है कि हमें ये पता चलता है कि कैसे हम अपने वॉन्ट्स को, जो हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल करें, और ये किससे पता चलता है, लॉ ऑफ डिमांड से और लॉ ऑफ सप्लाई से, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोवाइडिंग मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लुएंस द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ द पीपल, कि हमारी मेंटल जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें। मेंटल डिसिप्लिन कम थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इन फैक्ट इंटरप्रेटिंग देयर इफेक्ट एंड ड्रॉइंग करेक्ट कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मेंटल डिसिप्लिन का मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है जिसमें कि फैक्ट बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कोई भी रिजल्ट को, उसमें से करेक्ट कंक्लूजन निकाल रहे हैं और या फिर इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं। वो एक कंक्लूजन ही होता है, एक एंड रिजल्ट मतलब क्या आउटकम निकल के आ रहा है उसे इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो कॉमर्स एनकरेज करता है इंडिपेंडेंस इन थॉट एंड एक्शंस। तो जो कॉमर्स है वो हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस को क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एनकरेज करता है। इंडिपेंडेंट पर्सन कम टू हिज कंक्लूजन ओनली आफ्टर थॉटफुल डेलिब्रेशन। तो इंडिपेंडेंट हम कब बन सकते हैं, जब हमारे कंक्लूजन जो हैं वो थॉटफुल डेलिब्रेशन हो, मतलब कोई एक वैलिड रीज़न पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है विदाउट लॉजिक हम कोई भी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सर्विसेज। तो टीचिंग कॉमर्स हम टीच कर रहे हैं वो क्या, किस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सर्विसेज। हम लोगों की क्या है क्वालिटी को किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को क्या कर रहे हैं, ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो हमेशा पोलाइट होगा, स्वीट टेम्पर्ड होगा, मतलब उसे गुस्सा नहीं आएगा, बहुत अच्छे से पोलाइटली हमसे बात करेगा। तो ये पोलाइटनेस कहाँ से आती है, और यही पोलाइटनेस जो है वो उसके कस्टमर्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जो कभी तुमने देखा होगा कोई भी मार्केटिंग का पर्सन होता है वो बहुत सॉफ्टली बात करता है, हमें उस चीज़ की नॉलेज मतलब नीड नहीं होती है तभी भी हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। तो ये क्या है, पोलाइटनेस है। पोलाइटनेस क्या है, मतलब वो अपने स्किल में जो है वो परफेक्ट है। मार्केटिंग के पर्सन को जिस तरह की स्किल चाहिए होती है वो उसमें सारी हैं। तो इसी वजह से वो क्या है सामने वाले कस्टमर को कन्विंस कर पाता है और अपना जो प्रोडक्ट है वो उसे सेल कर पाता है। तो कॉमर्स टीचिंग जो है वो स्टूडेंट को टॉलरेट बनाती है और डेवलप इन द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड सर्विस, और उनमें कॉपरेशन की और सर्विस की स्पिरिट को जो है डेवलप करती है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट ट्रेडर्स। तो जो कॉमर्स एजुकेशन है वो क्या करती है, एफिशिएंट ट्रेडर बनाती है। चिल्ड्रन जो हैं वो
कल का फ्यूचर है, कल के सिटीजन्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट, तो वो कल जो है वो ट्रेडर बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे, कैपिटलिस्ट बनेंगे। फिर उसके बाद कॉमर्स एजुकेशन क्या बनाती है उन्हें, एफिशिएंट ट्रेडर बनाती है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ नेशंस। तो ये क्या करती है, जो हमारे किसी भी कोई भी नेशन होता है, कोई भी कंट्री है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, डेवलप करने में हेल्प करता है। इट टीचेस देम व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड दे शुड डू। और वो कॉमर्स एजुकेशन में हमें पता चलता है कि क्या कौन सा हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी गुड जो है वो इम्पोर्ट करनी चाहिए या एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो टीचिंग कॉमर्स जो है एफिशिएंट ट्रेडर बनाने में हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ प्रमोटिंग नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या है, जब हम कॉमर्स एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ाया जाता है हमें कि हम इम्पोर्ट जो करते हैं उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, एक्सपोर्ट जब करते हैं तो उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, गवर्नमेंट हमें क्या बेनिफिट दे रही है, टैक्सेस में कुछ रिबेट दे रही है या अदर हमें कोई भी बेनिफिट मिल रहा है। तो डोमेस्टिकली हमें बिज़नेस करना ज़्यादा फ़ायदा है या फिर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास अबंडेंट है, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी सेटिस्फाई कर पाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में भी हम क्या करते हैं, उन्हें सेल करके प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। तो नेशनल कॉमर्स एजुकेशन जो है वो डिज़ायर पैदा करती है किसी भी उसमें स्टूडेंट में कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि हर इंसान के साथ न्याय होना चाहिए और ह्यूमैनिटी की जो हमारी मानवता की जो हमारी बिहेवियर है वो होना चाहिए, ठीक है। दैट कंट्रोल द लाइफ ऑफ नेशन एज वेल एज इंटरनेशनल हारमोनी। जब हम अपने जब हमें ह्यूमैनिटी होगी, हमें मानवता होगी, हम किसी भी इंसान के टूवर्ड जो है वो गलत बिहेवियर नहीं करेंगे, उन्हें चीट नहीं करेंगे, इससे क्या है हमारी भी किसी भी नेशन की जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ भी कंट्रोल होगी और हमारे जैसे हम अपने नेशन में लोगों के साथ प्यार से रहेंगे ऐसे ही हम दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के साथ भी हारमोनी बना के रखेंगे, प्यार बना के रखेंगे, तो और अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे। तो ये क्या है, दे कैन बी टॉट अबाउट ड्यूटीज ऑफ शॉपकीपर टुवर्ड्स हिज कस्टमर। कॉमर्स एजुकेशन में हमें ये पता चलता है कि एक जो हमारा शॉपकीपर होता है या कोई भी प्रोड्यूसर होता है उसकी कस्टमर के टुवर्ड्स, कस्टमर के प्रति क्या उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं, ठीक है, और ड्यूटीज़ ऑफ ए फैक्ट्री ऑनर टू इज शेयर होल्डर। और किसी कोई भी हमारी फैक्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें शेयर होल्डर है तो उसके ऑनर की, उन शेयर होल्डर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है। तो इससे कॉमर्स एजुकेशन से जो स्टूडेंट है, पीपल हैं, वो ये सीखते हैं कि इफ़ समथिंग रॉन्ग इन द बिजनेस वर टेक प्लेस इट विल अफेक्ट नॉट ओनली देयर कंट्री बट द होल वर्ल्ड। अगर किसी भी बिजनेस में गलत कोई भी चीज़ होती है तो वो सिर्फ एक किसी कंट्री को इफ़ेक्ट नहीं करेगी या फिर उन्हीं के बिजनेस को कंट्रोल नहीं, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि आजकल जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है, एक कंट्री की इकोनॉमी वो दूसरे कंट्री के इकोनॉमी से क्या है, इंटरलिंक है। जैसे कि आप लोगों ने शायद सुना होगा 2008 में जो है रिसेशन आया था, वो किस लिए आया था कि जो अमेरिका में, यूएस में जो दो बड़े, बहुत बड़े लेवल पे बैंक्स थे वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, उनके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं था और उनकी इकोनॉमिक्स पे रिसेशन आने की वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या हुआ, हमारी पे भी नहीं बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पे क्या हुआ, इफ़ेक्ट पड़ा था बहुत ज़्यादा। तो इम्पार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ कमर्शियल प्रिंसिपल्स। तो कॉमर्स एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रही है किस चीज़ की, कॉमर्स प्रिंसिपल्स की स्टूडेंट को। कॉमर्स, अब तुम अकाउंट्स जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को हम अगर प्रैक्टिकल नॉलेज में यूज़ करें तो वो कैसे, मान लो हमें ये पता है कि डेबिट जो होता है वो एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट जो है वो इनकम होती है, तो हम कोई भी शॉपकीपर है या फिर घर में भी हम कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो
अपना बॉस से देखा होगा, एक छोटी सी डायरी होती है उसमें सारे इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स हमारे लिखे जाते हैं, तो उन्हें भी बेसिक नॉलेज होती है इस चीज़ की। और अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज है तो वो पूरे प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाते हुए वो सब कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, कितना हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उस मंथ में। अब हम क्या कह रहे हैं कि कॉमर्स एजुकेशन थियोरेटिकल के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, उसके बाद डिटेल नॉलेज देता है किसी भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है इसमें कि कह रहा है कि नॉलेज अबाउट फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी कोई भी कंपनी है, छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, वो कैसे काम करती है, फंक्शंस क्या है उसके, और कॉपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं, बैंक क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में क्या काम होता है, फैक्ट्रीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो कॉमर्स एजुकेशन हमें ये बताता है कि हाउ टू कंट्रोल द प्राइसेस एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एंड एजेंसीज आर हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। अब ये है कि किसी, जैसे हमने पेट्रोल देखा कि पेट्रोल बढ़ रहा है, अब पेट्रोल बढ़ने में भी क्या है कि अब हमें जब क्लियरली पता चला कि पेट्रोल अगर 97 का है, उसमें से कुछ परसेंटेज जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कुछ परसेंटेज जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और कितना सेंट्रल लेती है उसमें से पैसा और कितना स्टेट लेती है, इस चीज़ की भी हमारी क्या है, हमें नॉलेज कराता है कॉमर्स एजुकेशन। फिर कह रहे हैं कि कुछ और कौन सी एजेंसीज जो होती हैं वो इसको कंट्रोल, हमारे प्राइस को हाई या लो करने में हेल्प करती है। जैसे कि गोल्ड को देख लो, गोल्ड का प्राइस तुम डेली अपने स्टॉक मार्केट में देखोगे कि आज ये 100 रुपये ऊपर था, कल ये 100 रुपये नीचे हुआ या जो भी कुछ हुआ, तो ये सब क्या है, कौन स्टॉक मार्केट जो है वो गोल्ड के प्राइसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है या फिर हेल्प करती है उसमें फ्लक्चुएशन लाने में, ऊपर नीचे उसका जो प्राइसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे कॉमर्स एजुकेशन से पता चलता है। एक्वेंट द स्टूडेंट विद इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में अगर रिसेशन आया है, मैंने रिसेशन वाली वो बताई थी आपको एग्जांपल, तो अगर कंपनी में हमारी कंट्री में रिसेशन आया था, रिसेशन आने के बाद बहुत लोगों की जॉब गई थी, वो जॉबलेस हो गए थे, नॉट इवन इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में लोग जो जॉबलेस हुए थे। तो क्या अगर हमारी GDP जो है, अब हम कोरोना का टाइम चल रहा है, हम कह रहे हैं कि माइनस में हमारी GDP जा रही है, क्यों जा रही है, किस रीज़न से जा रही है, क्यों, हमारी ना इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं, एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे इंडस्ट्रीज़ का है। ठीक है, हमारी जो क्या नाम है, हमारे पास जो काम है, किसान जो हैं वो भी प्रॉपर अपनी फसल देने के लिए तैयार नहीं है, जो भी कुछ है उनकी, लोगों की भी स्ट्राइक चली है, उससे भी बहुत थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे उस पर GDP में। तो ये क्या कह रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है, हम जो कॉमर्स एजुकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये उसी पर्सन को, जब हम कॉमर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि हमारे ये प्राइसेस ऊपर नीचे, हमारी GDP ऊपर नीचे, इकोनॉमी में रिसेशन या फिर इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है। ठीक है, रिसेशन का मतलब होता है जब हमारे प्राइस सब चीज़ के कम हो जाते हैं इंडस्ट्री, और इन्फ्लेशन क्या है, जब किसी चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होने लगते हैं, तो वो रिसेशन, वो इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग टू बिकम स्पेंड थ्रिफ्ट एंड ऑनेस्ट। ये क्या कह रहा है कि जो कॉमर्स एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को क्या बनाती है, स्पेंड थ्रिफ्ट बनाती है, दे अंडरस्टैंड हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड मनी, हाउ टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ मनी। तो ये बताते हैं कि कॉमर्स एजुकेशन से हमें पता चलता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, और हम अपनी वेस्टेज ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम ये भी सीखते हैं कि हम ऑनेस्ट कैसे रहें, और ऑनेस्ट ट्रेडर ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। तो कॉमर्स एजुकेशन जो है वो डेवलप करती है एबिलिटी टू पीपल टू प्रोवाइड मैच्योर जजमेंट ऑन इमीडिएट ट्रेड इश्यूज, ट्रेंड, प्रोस्पेक्टर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, बिजनेस, नेशन और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो एक
जो कॉमर्स एजुकेशन है वो किसी भी स्टूडेंट में कुछ एबिलिटीज़ डेवलप करती है, जिससे कि वो जो स्टूडेंट है वो अपनी मैच्योर डेवलपमेंट ले सके किसी भी बारे में। जैसे कि मैच्योर डेवलपमेंट का मतलब, अब तुम्हें आप लोगों को कॉमर्स उससे कोरोना वायरस के एग्जांपल से ही बता दूँ, बहुत लोग सबको पता है कि ये कोरोना कोई भी वायरस है उसकी वजह से ये सब फैल रहा है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे इस चीज़ पे अफवाह फैला रहे हैं कि ये 5G की टेस्टिंग चल रही है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये क्या है, ये बच्चों वाला एक वो है कि हम सबको पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो, कि इंडिया में 4G चल रहा है पर बहुत सारी कंट्रीज़ में 6G 7G 8G तक आ चुका है, और आज तक कभी वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनकी सारी खबर एक दूसरे नेशन को होती है, और कभी हमें सुनने के नहीं आया कि जब वो 8G तक पहुँचे होंगे तभी भी तो उनकी कंट्रीज़ में टेस्टिंग हुई होगी, तो वहाँ पे लोग क्यों नहीं मरे, इंडिया में ही क्यों मर रहे हैं। तो ये इन अफवाहों को ध्यान में साइड में रखते हुए, और हम क्या है एक जेन्युइन अपना क्या है जजमेंट लगा सकते हैं किसी चीज़ पे। और फिर वो क्या कर रहे हैं कि ना मास्क पहन रहे हैं, ना कोई वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। तो ये जो होती है ना एजुकेशन, बेसिकली मैं कॉमर्स एजुकेशन के लिए नहीं कहूँगी, एक एजुकेशन हम इसलिए लेते हैं, हम सिर्फ डिग्रीज लेने के लिए नहीं लेते हैं, हम एजुकेशन की नीड हमें किस लिए होती है कि हम सही और गलत में क्या है फ़र्क कर सकें। उसका बेसिक जो मोटिव होता है एजुकेशन का वो यही होता है कि हम सही और गलत में क्या है इफ़ेक्ट कर सकें, वो डिफरेंस कर सकें। जैसे कि मैं पढ़ाई से थोड़ा सा अलग तो मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं, सबको पता होता है कि डॉवरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। हम जब स्कूल्स में जाते हैं और कई कई पन्नों का जब हम वो लिखते हैं डॉवरी पे ऐसे लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जितने ज़्यादा पन्नों का लिखते हैं हम उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं हमें, ठीक है। बट व्हेन कम्स टू अस, जब हमारी शादी हो रही होती है तो हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए होता है, हम तो एक बात भी मना नहीं करते कि हमें डॉवरी नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर बॉयज़ होते हैं वो तो मना नहीं करते, IAS IPS भी बन जाते हैं तभी भी वो मना नहीं करते कि हमें डॉवरी नहीं चाहिए, ठीक है। किसी से उस स्कूल में जो टीचर 15 में से 15 मार्क्स दे रहा है उस हिस्से के लिए, वो टीचर खुद नहीं चाहता कि जो उनके बच्चों की शादी हो वहाँ पे वो डॉवरी ना ले, वो भी इनिशिएट नहीं लेना चाहता और ना ले और ना दे। तो दिस इज़ रॉन्ग, हम सिर्फ डिग्री लिए जा रहे हैं, हम सही और गलत में फ़र्क आज भी नहीं कर रहे। तो ऐसी एजुकेशन को लेने, अगर हम यही एजुकेशन लेते रहेंगे तो नौकरी तो छोड़ो, हमारा जो देश है वो वहीं की वहीं टिका रह जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट के प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। तो कॉमर्स एजुकेशन जो है वो ये हमने कर लिया था, मैच्योर जजमेंट प्रोवाइड कर दिया है ऑन इमीडिएट ट्रेड इशू हो, ट्रेंड्स हो, हमारी क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसका क्या रीज़न है, प्रॉस्पेक्ट क्या है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है, बिजनेस या नेशन हो या इंटरनेशनल अफेयर्स हो। उसके बाद है हेल्पिंग स्टूडेंट टू बिकम अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर्स और ऑडिटर्स, ठीक है। तो कॉमर्स एजुकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें क्या, हम 11th क्लास में पढ़ते हैं बुक कीपिंग पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, बिजनेस मेथड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कॉमर्स में। तो बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंट के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। कॉमर्स जो है वो एटीट्यूड डेवलप करती है स्टूडेंट में के इनिशियल स्टेज में, दैट दे कैन बिकम इंश्योरेंस एजेंट, दे कैन गो फॉर बैंकिंग सर्विसेज, वो क्या है इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकते हैं और बैंकिंग सर्विसेज में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनेबलिंग द पीपल्स टू यूज़ देयर लेजर टाइम प्रॉपरली, तो कि अपना जो भी टाइम है उसे फालतू की चीज़ों में ना लगा के उसे एग्जैक्ट मतलब अपने आपने किसी भी प्रोडक्टिव वे में लगाए, जैसे कि घंटों हम फोन देखने से कोई भी प्रोडक्टिव हम कुछ नहीं कर रहे, उन लोगों ने तो कुछ अचीव कर लिया है इसीलिए उनके इतने लाख व्यूज़ आ रहे हैं
और उनकी प्रॉपर इनकम हो रही है, तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे बेड पे पड़े पड़े हम कई कई घंटों तक क्या करते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं। तो देर इज़ नथिंग प्रोडक्टिव, ना तुम्हें कोई नॉलेज मिल रही है ना कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट होता है। मैं ये नहीं कहती हर टाइम प्रोडक्टिव उसमें लगाया टाइम उसी में लगाना चाहिए, पर एक घंटे मैक्सिमम बस, उसमें तुम सोशल मीडिया यूज़ कर लो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, फिल्म देख लो या कुछ भी देख लो, मैक्सिमम 24 घंटे में से एक घंटा बहुत रिफ्रेशमेंट हो जाती है। उसके अलावा भी अगर तुम्हें रिफ्रेशमेंट करनी है तो अपनी हॉबीज़ एनीथिंग, डांस, पेंटिंग और कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसमें कि कुछ एक हॉबी तुम्हारी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि जब तुम्हारा मूड ऑफ हो तो तुम उसमें अपने आप को ऐसे इन्वॉल्व कर सको कि तुम अपनी टेंशन को भूल जाओ। ठीक है, हॉबीज़ इसलिए ही डेवलप करो, मतलब कि इस टाइम पे वो काम आए। और इस टाइम कई बार ऐसा होता है जब मैं ये बोलते हैं कि मैं टेंशन में था, मैंने खाना बनाया तो बहुत अच्छा खाना बनाया, ये टेंशन में मैंने पोएम लिखी तो उसमें एक अलग ही वो निकल के एहसास निकल के आया, मैंने अगर टेंशन में डांस किया तो उसमें एक अलग ही जो मेरी क्रिएटिविटी है वो निकल के आई। तो उस टेंशन को अपने डिप्रेशन की तरफ ना ले जाके अपने आप को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ, इट्स बेटर फॉर यू एंड योर हेल्थ ऑल्सो। तो अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर एम्स दे रखे हैं टीचिंग के, ये 11 पॉइंट्स हमने पढ़े ही थे, यहाँ पे अदर एम्स भी दे रखे हैं कि जर्नल ऑफ कॉमर्स, सो दैट ये हमें कॉमर्स की जनरल लॉज के बारे में नॉलेज देता है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सिटीजन फॉर इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम, ठीक है, वो क्या करता है कोऑपरेटिव सिटीजन बनाता है किसी भी स्टूडेंट को, जिससे कि नेशन की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सके और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या हो सके, इंक्रीमेंट हो सके। तो नेक्स्ट इज साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड हमेशा कहीं भी आ जाए उसका मतलब है कि एक फैक्ट बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला है, हमने बोला है कि सूरज जो है वो स्फेयर, उसकी जो शेप है, तो ये फैक्ट बेसिस है, ठीक है। कोई भी दूसरा बंदा आके ना तो उस पर आर्गूमेंट कर सकता है और ना उसे चेंजेस कर सकता है, जब तक कि उस पर प्रॉपर फैक्ट ना हो। अगर कल को किसी स्क्वायर की जगह किसी को ये बोलना है कि स्क्वायर शेप है, तो उसके प्रॉपर उसका क्या देना पड़ेगा, हमें रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। और वो एप्लीकेबल टू ऑल द वर्ल्ड, इंडिया में ही जो सन है वो स्क्वायर शेप में नहीं होता, ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम उसमें होता है। तो साइंटिफिक फैक्ट जो यहाँ पे हैं वो हर जगह हैं, ठीक है। तो वो डेवलप करता है, हमें लॉजिकल थिंकिंग हमारी डेवलप करता है, हमारी कॉमर्स एजुकेशन जो है। तो नेक्स्ट इज डेवलप, ये कॉमर्स एजुकेशन डेवलप करती है इकोनॉमिक सिटीजन बनाती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और डेवलप करती है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हमारे नेशन के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। इक्विप द स्टूडेंट अबाउट द मेजर्स हेल्पफुल इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस प्रोग्रेस, ये बिजनेस इंडस्ट्री और बिजनेस प्रोग्रेस में क्या स्टूडेंट अपना मेजर दे सकते हैं, वो हम कॉमर्स एजुकेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द नेशन एंड टीचिंग देम हाउ टू यूटिलाइज देम फ्रूटफुली, कि हमारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं और हम उन्हें कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, जिससे कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए और वेस्टेज जो है हम कम करें। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट जनरल लॉज ऑफ कॉमर्स सो दैट स्टूडेंट मे यूटिलाइज देम इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स, ये फर्स्ट पॉइंट भी था कि हमें किसी भी कॉमर्स जो है हमें किसी भी कंट्री के जनरल लॉज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उसे यूटिलाइज कर सकें उन प्रिंसिपल्स को किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।